मैं जा रही हूँ वापस इंडिया बहुत जल्द। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है इसका डे 3 यहाँ पर, डे 3 यहाँ पर, एंड मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सुबह से मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करा इंडिया में, वो कह रहे हैं बेटा घर पर धार लो, तो देखते हैं क्या करते हैं उस चीज़ के बारे में। बट हिम्मत करके मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं / कलीग्स हैं उनको इससे मिलना है। सो इस खुशी में हम जा रहे हैं वहाँ पर, और थोड़ा और आज लास्ट डे है फेरिया का वैसे भी, सो वी आर थिंकिंग टू हैव द मोस्ट ऑफ इट। तो जा रहे हैं वहाँ पे और आपको मिलते हैं। तो हम आ रहे हैं फेरिया की तरफ और आज बहुत धूप है, एंड ये दिखता है फेरिया दिन में बाहर से कुछ ऐसा। तो देखिए यहाँ हमको मिल गए हैं सेंटा क्लॉज भी। अब मैं और मेरी बहन मिले हैं मेरे टीचर / फ्रेंड से और हम साथ में जा रहे हैं मेला घूमने। हम सीधे आए हैं पहले ग्रीस के एरिया में क्योंकि यहाँ पे चल रही है बहुत अच्छी इनकी ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस। ग्रीस के बाद हम आए हैं मोरक्को के स्टॉल। यहाँ मिले हैं हमें अपने एक फ्रेंड और हम आए हैं यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने एक बार और, एंड ये हम जीत गए। अब हम आए हैं झूलने के लिए ये वाली राइड, वी आर वेरी एक्साइटेड और हमने ले लिए हैं टिकट्स, एंड ये है वो वीडियो, आप पहचानिए हम लोग कहाँ बैठे हैं। टू बी ऑनेस्ट ये राइड बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस लगी मुझे बिकॉज हमारा बहुत बहुत बुरा हाल हो गया इसके बाद। जूही तो मुझ पर चिल्ला रही थी लिटरली। तो राइड से थोड़ा ओवरकम करने के बाद हम आ गए हैं दोबारा से इस लेन में और हम पहले आए हैं बेल्जियम वाले एरिया में, यहाँ पे चल रही है बैंड की परफॉर्मेंस। और साथ में हमको दिखाइए स्मर्फ्स का पूरा स्टॉल। नेक्स्ट सबसे ज्यादा भीड़ थी जमैका वाले एरिया में तो हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे मुझे में थोड़े स्टूडेंट्स भी मिले, हम लोग थोड़े ड्रिंक्स पी और काफी एंजॉय करा बैंड के परफॉर्मेंस को। हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ट्राई कर रही हैं ये ड्रिंक। सो मच फन। इस व्हील पे घूम रहे हैं कबाब। अब हम आए हैं इस स्टॉल में जहाँ का डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आया और हम लोगों ने काफी डांस भी करा, वी एंजॉयड अ लॉट। फिर उसके बाद हम आए हैं यूके के स्टॉल में एंड यहाँ पे इतना अच्छा बैंड का परफॉर्मेंस चल रहा है, हम लोगों ने फिर काफ़ी एंजॉय करा, खूब डांस करा एंड काफ़ी पिक्चर्स भी क्लिक करवाई। सो यूके के स्टॉल के बाद से हम लोग को लग रही थी काफ़ी प्यास और गर्मी भी, तो हम सब ने लिए एक एक ड्रिंक और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं एज यू कैन सी। वहाँ से उनको लेके मैं आई हूँ इंडियन वाले एरिया में, इंडियन वाले स्टॉल में, एंड यहाँ पर हम लोग सब करने वाले हैं बहुत सारा डांस। I'm not afraid to die.
मेरे स्पेनिश फ्रेंड्स को भांगड़ा बहुत पसंद आया, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस करा। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब सी हो गई थी तो मैं इसलिए बैठ गई हूँ, बट बाकी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई तो मैं उन लोगों को बाय करके निकल के आ चुकी हूँ, और रास्ते में मुझे मिला ये वाला स्टॉल जहाँ पे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। तो मैंने और जूही ने सोचा कि एक बार जब जा ही रहे हैं तो इसको देखते हुए जाते हैं। So finally it's time to say goodbye to this wonderful wonderful feria. And जूही ने ये पूरा 3 days काफ़ी enjoy करा है, and मैंने भी, and यहाँ पे randomly इन्होंने मुझे hello बोला है, so yeah, hello. So अब हम लोग बहुत थक गए हैं, but हम लोग काफ़ी sad भी हैं because हम जा रहे हैं अब यहाँ से, and जूही कल जा रही है तो हम दोनों काफ़ी अपसेट हैं। हम आए सीधे डोमिनोज कुछ खाने के लिए बिकॉज काफ़ी थक गए थे, मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, सो आई थॉट पहले डिनर कर लेते हैं एंड देन फिर चलते हैं सोने। मॉर्निंग हो गई है, मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो खैर तब भी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है इनके लिए क्योंकि ये जा रही हैं विद इन 20 मिनट्स। बहुत बुरी हालत हो रही है, मैं मेकअप करके आऊँगी। तो जल्दी जल्दी से हम खाना खाते हैं ताकि ये जा पाए। तो जूही जा चुकी है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, एंड सो मैं करती हूँ थोड़ी देर बाद व्लॉग। जूही को गए हो गया है एक दिन, कल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो कल मैंने कुछ नहीं व्लॉग करा, बट आज मैं आई हूँ वन ऑफ द लास्ट मील्स खाने के लिए स्पेन में। लास्ट बिकॉज मैं आपको बताती हूँ बाद में, बट अभी मैं खा रही हूँ थाई राइस और क्रिस्पी प्रॉन्स। तो जैसे कि आपको पता चला है कि मैं व्लॉग नहीं कर पाई 2-3 दिन से, जूही को गए हुए 2 दिन हो गए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी कुछ लास्ट ऑफ द मील्स वगैरह करने के लिए क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस इंडिया बहुत जल्दी बहुत जल्दी। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा, शायद मैं आपको इंडिया में ही मिलूँ तब। तो उससे पहले यहाँ पे जो भी सामान रखा है जिसमें मेरे सारे कपड़े हैं, कुछ क्लोथ्स हैं, कुछ बुक्स हैं, वो मैं जा रही हूँ डोनेट करने के लिए क्योंकि वापसी में मेरे पास जो पूरा बैगेज है वो है जस्ट 40 kgs एंड मेरा सारा का सारा सामान उससे कई ज़्यादा है। चीज़ें डोनेट करने के बाद मैं स्कूल भी जाऊँगी क्योंकि मैंने बनवाया है केक अपने वहाँ पर सारे टीचर्स के लिए, तो उनको मैं बाय करने जा रही हूँ टिल आई मीट देम द नेक्स्ट टाइम। सो आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल होने वाला है मेरे लिए बिकॉज मेरे यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ चुकी हैं, तो चलिए मेरे साथ और करते हैं सबको बाय। तो ये है वो केक जिसे मैंने लिखवाया है थैंक यू वेरी मच फॉर माई टीचर्स। मैं नहीं कर पाई शूट स्कूल में ज़्यादा बिकॉज बच्चे के साथ थी मैं और बच्चे इतना रो रहे थे, टीचर्स वगैरह रो रही थी, उसमें मैं व्लॉगिंग करती तो उनको लगता कि क्या ड्रामा है, तो मैं खुद इतनी इमोशनल हो गई थी कि उस समय तो ध्यान भी नहीं रहा कि मेरे पास फ़ोन भी है, बट वॉज वेरी इमोशनल एंड आई मिस दिस प्लेस अ लॉट फॉर श्योर। मैं अभी भी थोड़ी इमोशनल हो रखी हूँ क्योंकि एक बच्ची तो इतना ज़्यादा रो रही थी, लाइक उसने मुझे छोड़ा ही नहीं एंड तक। वेरी सैड टू सी दैट कि सब रो रहे हैं बिकॉज ऑफ मी, बट आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लव एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट दूसरे देश के लोग भी मुझे प्यार करते हैं। यू नो इतना किया है मैंने या मैंने कुछ अच्छा करा ही होगा उनके साथ यहाँ पर कि मुझे इतना प्यार मिला। थैंक यू गॉड। इट्स लाइक
It's amazing. I will miss everything about this place. यहाँ के flowers, यहाँ का environment, पूरा vibe, weather, everything. मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है. मेरी swelling वगैरह हो रही है. अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना सोचूँ इतना. और मैं आई हूँ पैदल पैदल बिकॉज मुझे गुड्डा के लिए एक चीज़ लेनी है. उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ स्पेशल लेके आने वाली हूँ, और जब वैसे ही मैंने प्रॉमिस करा वो मिलना बंद हो गया. ठीक है, तो अब मैं भटक रही हूँ कि शायद मुझे वो कहीं मिल जाए. सो सामान मुझे मिल गया है गुड्डा के लिए, और अब मैं आई हूँ सुशी खाने के लिए. बिकॉज लॉट समय मुझे यहाँ पे दिखा एक ये रेस्टोरेंट जहाँ पे ऑथेंटिक सुशी मिलती है. तो ये है गुड्डा का सामान पॉलीथिन में, और मैं रेडी हूँ कुछ सुशी के लिए. तो पहले उन्होंने मुझे सर्व करा है स्प्रिंग रोल, और ये सुशी का एक पूरी प्लेट. एंड यहाँ की वाइफ भी है, वो भी बहुत अच्छी है. सो नाउ लेट्स ट्राई सम सुशी. मुझे बहुत भूख लग रही है. एंड ये है दूसरी प्लेट. सुशी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी एंड काफ़ी ऑथेंटिक थी. मैंने खा लिया है खाना, और अब मैं जा रही हूँ घर. अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. दो मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ फिलहाल इंडिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घूमना फिरना बंद करने वाली हूँ. मैं इंडिया में घूमूंगी, काफ़ी सारे प्लान्स हैं मेरे. तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़. बाय.